मित्रों, मेरे हाथ में एक मग है। इसका कलर कुछ अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि ये कच्चा है। तो एक प्रश्न बनता है अक्सर, मतलब मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि इतनी चमक कैसे आप मिट्टी पे लाते कैसे हैं। तो हमने कई बार बताने का प्रयास किया हुआ है, इस बार देखिए हम बता रहे हैं कैसे आ जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ बैजनाथ प्रजापति। मेरे चैनल ब्लैक पॉटरी निजामाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं बता रहा हूँ कि इस पे चमक कैसे आ रही है। आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारे काम हो रहे हैं। देखिए, ये है मग्गा बना हुआ है, ये उलट कर रखा गया है क्योंकि इसकी पेंदी थोड़ी सी मोटी होती है और इसमें धूप लग जाएगी तो ये सूख जाएगा, तो ये भट्टी में चिटकेगा नहीं। इसके लिए ये उल्टा रखा हुआ है। अब ये सूख चुका लगभग लगभग है और इसको सीधा इस तरह से करते हैं। तो इसमें हम चमक लाने के लिए, देखिए आप इसमें भी जैसे ये कच्चा है कुछ इसमें चमक कम होगी, है ना। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सारे कुछ प्रोसेस होने के बाद इसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, या हम लोग अपनी भोजपुरी भाषा में कहते हैं कड़ू तेल, देखिए लगाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये कड़ू तेल लगाया गया। हाथ में पहले लगा लेते हैं, उसके बाद देखिए भैया, अभी ये इन्होंने एक पीस उठाया, देखिए हाथ में ये तेल लिया और फिर देखिए इसे पीस रहे, वो दिया आपने। तो ये है मस्टर्ड ऑयल या कड़ू का तेल लगाने के बाद इसको ऐसे रख देते हैं। तो इसमें देखिए सूख रहा है, सूखने में थोड़ा सा हल्का सा धब्बा जैसा दिख रहा होगा, है ना। अब इसके बाद इसको कपड़े से, सूती कपड़े से, सूती कपड़े का प्रयोग हो रहा है। देखिए अब इसमें हाथ से इसको रबिंग करते हैं, देखिए रगड़ा जा रहा है। अब ऐसे इतना रगड़ने के बाद ही चमक आती है, जैसे देखिए यहाँ भी रगड़ा जा रहा है। देखिए अब देख सकते हैं आप, अब काफ़ी अंतर आ गया। वो आपका जो ये पीस था और इस पीस में, दोनों में काफ़ी डिफरेंट आ रहा होगा, एक चमक आ रहा है एक में चमक नहीं आ रहा है। तो ये प्रोसेसिंग होती है ब्लैक पॉटरी के बर्तनों में चमक लाने की। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं, कड़ू तेल का प्रयोग करते हैं बर्तनों पर लगाने के बाद, उसको सूती कपड़े से उसको रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद इसमें एक गजब की चमक आती है, वो चमक ही ब्लैक पॉटरी की शान बनती है। देखिए ये सब चमक वाले बर्तन रखे हैं, तो ये कच्चे पे ही जब चमकता है तब जाके वो पक्की निकलेगा, तो भी ये चमक बरकरार रहती है। तो ये चमक आपको पहले ही सेट करनी पड़ती है जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि ब्लैक पॉटरी में जो हम बर्तन दिखाते हैं आपको, हैं इतनी अच्छी चमक होती है, चमक कहाँ से आती है, कैसे लाते हैं। वैसे तो बर्तन शुरू से ही अच्छे बनाए जाते हैं, बनते बनते लास्ट में ये अंतिम प्रोसेस है कि इसमें मस्टर्ड ऑयल लगाया जा रहा है, उसके बाद इसको रगड़ करके बिल्कुल बिल्कुल क्लीन किया जा रहा है, सफाई दी जा रही है, तब ये चमक आती है। अब इसको हम ब्लैक पॉटरी के भट्टी में डालेंगे या रेड पॉटरी, जो भी इसको आप पका देंगे, तो ये चमक हमेशा के लिए बरकरार बनी रहती है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आपने आज जाना कैसे हम ब्लैक पॉटरी के बर्तनों को अच्छी तरह से सफाई करते हैं। तो ये आपको अच्छा ही लगा होगा, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मौसम ठंडी का है, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद मित्रों।